मैं आपकी गोलियों से डरने वाला नहीं क्या हूं, बात कर रहे हैं यार मैं आपका जरखरीद गुलाम नहीं कौन हूं। सी गोलियां नेवर डिक्टेट कौन सी आप मेरे से बात मेरे से आप मेरे से बात क्या कर रहे हैं दुरानी साहब, आपने उन्होंने सवाल किया है आप उनको जवाब दें। आप मेरे पर अच्छा नहीं लगता इस तरह की डिस्कशन, आप उनसे बात करें। आप खान साहब कह चुके हैं ना हमें मसला ही नहीं है, वो वापस भी आ जाएं तो हमें मसला नहीं है, तो वो तो एक तरीके से ग्रीन सिग्नल खान साहब ने दे दिया ना, अब आप घूम फिर के फिर ही उसी बात पे जा रहे हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ ये क्लासिक केस स्टडी है जो एक नहीं दो पाकिस्तान के, एक पाकिस्तान अशराफिया का जो गिलानी साहब का ये जो फैमिली है, बाकी जो पाकिस्तानी है ये जो शरीफ फैमिली है, ये मुल्क एक्चुअली इनका है, इनके लिए कानून आपका है भाईजान इफ्तिखार दुरानी साहब, आप फेल हो चुके हैं। ना 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 आप जो है ना आप यहाँ पर आप रुक जाएं क्योंकि आपने ना आप बात को टॉपिक को ना बिल्कुल जातियात पर ले आए ना सर, प्लीज प्लीज दुरानी साहब यू हैव टू टेक योर वर्ड्स बैक राइट नाउ, क्योंकि आपका जो दो पाकिस्तान है जिस तरीके से इमरान खान की औलाद इस मुल्क में आ रही है वो आपने देखा है, आपका पाकिस्तान अलहदा है, जमान पार्क का पाकिस्तान अलहदा है, बनी गाला का पाकिस्तान अलहदा है, इमरान खान के लिए सुप्रीम कोर्ट अलहदा है, इमरान खान के लिए मेडिकल अलहदा है, इमरान खान के पर्चे के इमरान खान के पर गोली चले तो उसके पर्चे के जो दलायल हैं वो अलहदा है, गरीब आदमी पर गोली चले तो वो पहले सरकारी अस्पतालों में धक्के खाता है MLC बनवाता है, इमरान खान के लिए पाकिस्तान अलहदा है, इमरान खान के लिए सुप्रीम कोर्ट अलहदा है, इमरान खान के लिए इस्टेब्लिशमेंट अलहदा है, इमरान खान के लिए पंजाब अलहदा है, इमरान खान के लिए पी के अलहदा है, आपने दो पाकिस्तान आपके दौर में बने हैं। गिलानी साहब इमरान खान की काबीना के ऊपर नैब के केसेस नहीं बनते थे, इमरान खान के काबीना का के लिए नैब के इमरान खान की काबीना के लिए शुगर माफिया माफी मिल जाती थी, ये आप ये बात आप वापस ले अभी इसी वक्त। आप लोग प्रोपेगेंडा मचा मचाकर इस मुल्क को इस जहां पर लेकर आए हैं, हम आपकी हर बात पर हम आपकी हर बात पर तमीज से बात करते हैं, आप कहते हैं कि दो पाकिस्तान है, आप दो पाकिस्तान के मालिक हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी आपने पाकिस्तान को दो टुकड़ों में कर दिया है, आपने पाकिस्तान की नस्ल को डिवाइड कर दिया है, आपने गिलानी साहब गिलानी साहब कैन वी स्पीक टर्न बाय टर्न, गिलानी साहब से बात करनी है, ये आके घूम के आ जाते हैं कि गिलानी साहब के लिए अलग पाकिस्तान, अरे भाई हमारे खानदान में अली मूसा गिलानी साहब, अली मूसा गिलानी साहब थोड़ा थोड़ा आप पानी पिए ठंडे हो, उनको बात कंप्लीट करने दें, आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा, बारी बारी बात कर लेते हैं ताकि हम किसी डिस्कशन एक हम हेल्दी डिस्कशन कर सकें। तखार साहब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा और होपफुली हम एक बेहतर तरीके से डिस्कशन आगे बढ़ा सके। जी इफ्तिखार साहब नेवर डेयर टू डिक्टेट मी अगेन मिस्टर गिलानी, नेवर डेयर दैट अगेन, ठीक है, मैं आपकी गोलियों से डरने वाला नहीं हूँ, बात कर रहे हैं यार, मैं आपका जरखरीद गुलाम नहीं हूँ, नेवर डिक्टेट मी, आप मेरे से बात क्या कर रहे हैं दुरानी साहब, आपने उन्होंने सवाल किया है आप उनको जवाब दें, आप मेरे पर आप लोगों से टीवी पे देखेंगे वो क्या नतीजा अखज करेंगे। डॉक्टर साहब गुस्सा कम करें, ठीक है मेरी आप वापस ले, मैं आपको ना मुझे बताने वाले मेरी बात, आई हैव माय पॉइंट ऑफ व्यू, आई स्टैंड बाय माय पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो है आप मुल्क जो है डॉक्टर साहब मुल्क जो है दो पाकिस्तान है, एक गिलानी साहब की फैमिली का पाकिस्तान है, जरदारियों का पाकिस्तान है, शरीफों का पाकिस्तान है, और एक मेरे जैसे गरीब लोग हैं जिनके ऊपर ये टीवी प्रोग्राम में शाउट करते हैं, एक मेरा पाकिस्तान है जिसमें भैंस चोरी करने वाले को अदालत कहती है उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर देती है, मुल्क चोरी करने वाले को बाहर जाने देती है, उस मुल्क चोरी करने वाले का स्टाम्प पेपर मानती है, उस मुल्क चोरी करने वाले को इजाजत है यहाँ पे आने के लिए, उसका वजीर दाखिला कत्ल कर सकता है यहाँ पे, एक साफी के कत्ल कर सकता है, टीवी पे झूठ बोल सकता है, वो उसको इजाजत है। आप कहते हैं दो पाकिस्तान नहीं है। और क्या है आप... ये दो पाकिस्तान है, दुरानी साहब और गिलानी साहब आपको ढूंढ रही है भाई, आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, इस मुल्क के जो अवाम है उनके बड़े मसाइल हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव जमाते हैं, अगर आप ऐसे ऐसे बताएंगे ऐसे बातें करेंगे
कोई एक सॉलिड काम बताएं चार साल में आपने क्या किया, एक काम प्लीज बता दें, अमली काम बता दें प्लीज। ये देखें सेहत कार्ड, ये देखें सेहत कार्ड, बीआईएसपी को आप सेहत कार्ड का नाम दे रहे हैं, खुदा का खौफ। किसी दिन हम आपके परफॉर्मेंस पे भी, हम परफॉर्मेंस पे भी प्रोग्राम कर लेंगे, अभी फिलहाल हमारा ये टॉपिक नहीं। दुरानी साहब एक हॉस्पिटल बता दें प्लीज, बता दें एक बीएचयू बता दें, हॉस्पिटल नया बना दे, एक बता दे, पुराना जो है वो बता दे, इसमें बात पे बात हॉस्पिटल बता दे, गिलानी साहब हॉस्पिटल बता दे प्लीज, बता दे एक हॉस्पिटल बता दे, काम बता ना। हां लंगर खाने आपने ठीक किए, लेकिन सेहत कार्ड दिया या नहीं है, सेहत कार्ड हमने इंट्रोड्यूस किया। चले भाई ठीक है, लेट मी आस्क अ क्वेश्चन गिलानी साहब, अशकन और सूट पहन के आप शर्मल शेख गए हो जिसमें आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाया, इमरान खान की मरूने मैंने था ये सारा प्रोग्राम, किसने किया? इमरान खान ने किया। आप जाके सारे वहाँ पे शर्मल शेख में टाई सूट पहन के बैठे हुए हैं, बड़े हीरो गए हुए हैं। आप लोगों ने तो कब्जा माफिया को जंगल काटे हैं पूरे पाकिस्तान में, चूनिया का जंगल काट ले, मेरे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा। दुरानी साहब आप लोग इस वक्त मार्च कर रहे हैं और हमें जाहिर उस हवाले से इमरान खान पर जो अटैक हुआ उनके कंसर्न है, बहुत सारे सवाल हैं जो पूछने हैं। अब यहाँ पे ये भी कंसर्न है कि भाई अगर हालात ज्यादा बिगड़ गए तो फिर उबूरी हुकूमत आ जाएगी, 6 माह से 1 साल तक की तौसी उस उबूरी हुकूमत की हो जाएगी, लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरीके से बात की जा रही है, आपको कबूल है ऐसे हालात में अगर इलेक्शन होते हैं और ऐसी हुकूमत, क्योंकि आप पार्लियामेंट में नहीं है, और अगर ऐसी कोई हुकूमत, कोई ऐसा सेटअप आ जाता है जिसका आप हिस्सा नहीं है, तो आप उसे कबूल करेंगे? फिर हालात किस तरफ जाएंगे अगर किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेंगे? सदफ हमारा जो इस वक्त स्लोगन है ना वो है इनकलाब या इंतखाब, फैसला हुकूमत ने करना है, हमने गुजारिश कर दी है, अवाम रोड पे है, फैसला ये कर लें जो हुक्मरान अशरफी जिन्होंने पैसे बचाने हैं, हमें जो अवाम तो रोड पे ऑलरेडी वो तो मोबिलाइज्ड है, फैसला वो कर लेगी अवाम, फैसला करेगी, जमहूर अवाम का नाम है, जमहूर फैसला कर लेगी, मेरा और आपका कोई रेलिवेंस रहेगी नहीं, वो जो रेलिवेंट लोग हैं जिन्होंने जमहूर है वो जमहूर फैसला कर लेगा, वो खुद बता देगा कि हम इंटरिम सेटअप कर रहे हैं। ये जो बंद कमरे के फैसले हैं अवाम मानने वाली नहीं है, मैंने 60 जलसे भी देखे इमरान खान के, अभी मार्च भी देखते हैं, लोगों से भी मिलते हैं, जमहूर ने फैसला कर लिया है और वो अब इमरान खान के पीछे खड़ी है, उसको आपने गोलियां भी मार दी है, उसको आपने कत्ल करने की कोशिश कर दी है, अवाम वहीं की वहीं खड़ी है, आज भी आप देख रहे हो खड़े हैं, गुजरात में भी थे ऑटोबर टेक्सन में भी लोग निकले हुए थे, कल वजीराबाद में भी लोग निकले हुए, आगे भी लोग आते रहेंगे। तो ये जो बंद कमरों में फैसले हैं मुल्क के, मेरा ख्याल है शायद वो वक्त गुजर गया, ऐसा नहीं होगा और इंतखाबात की तरफ मुल्क जाएगा इंशाल्लाह।